आखिरी तीन ओवर में गुजरात को जीत के लिए 37 रनों की जरूरत थी। तब हार्दिक पांड्या और अभिनव मनोहर क्रीज पर थे। 18 ओवर में खलील अहमद गेंदबाजी करने के लिए आए। पहली गेंद पर उन्होंने अभिनव मनोहर को आउट किया। इस ओवर में खलील ने 4 रन दिए और आखिरी दो ओवर में गुजरात को 33 रनों की जरूरत थी। हार्दिक के साथ राहुल तेवतिया बल्लेबाजी के लिए आए, वहीं गेंदबाजी के लिए एनरिक नोकिया आए। पहली तीन गेंदों पर 3 रन लुटाए। इसके बाद आखिरी तीन गेंदों पर राहुल तेवतिया ने 3 छक्के लगाए। 19वें ओवर में नोकिया ने 21 रन दिए। ऐसे में ईशांत शर्मा के पास अब रन बचाने के लिए सिर्फ 12 थे और हार्दिक पांड्या और राहुल तेवतिया क्रीज पर मौजूद थे। बीसवें ओवर की पहली गेंद पर ईशांत ने 2 रन दिए। दूसरी गेंद पर हार्दिक ने सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर तेवतिया को कोई रन नहीं मिल सका। चौथी गेंद पर ईशांत ने तेवतिया को रायली रूसो के हाथे कैच आउट करा दिया। वो 7 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हुए। पांचवी गेंद पर राशिद खान ने सिर्फ 2 रन बनाए। वहीं आखिरी गेंद पर राशिद सिर्फ 1 रन बना सके और इस तरह ईशांत शर्मा ने 6 रन खर्च किए और दिल्ली को 5 रनों से मैच जिता दिया। तो इन्हीं 3 ओवर में पूरा खेल बदल गया। अगर बात करें पूरे मैच की तो आईपीएल 2023 में दिल्ली की हालत बेहद खराब नजर आई है। आज गुजरात के खिलाफ दिल्ली ने पहले बैटिंग का फैसला किया, जिसे मोहम्मद शमी ने अपनी घातक गेंदबाजी से गलत साबित कर दिया। उन्होंने अपने 3 ओवर में एक के बाद एक 4 बैटर्स को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, लेकिन अमन खान की अर्धशतकी पारी के बदौलत दिल्ली की टीम 130 रन तक पहुंच गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। शुभमन गिल और डेविड मिलर सहित 4 बैटर दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर सके, जिसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या सूझबूझ भरी बैटिंग से जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। उन्होंने शानदार अर्धशतकी पारी खेली, उनका साथ अभिनव मनोहर ने दिया। अंत में आए राहुल तेवतिया ने दमखम तो दिखाया, लेकिन आखिरी ओवर में ईशांत शर्मा ने मैच की दिशा पूरी तरह से पलट दिया। इस मैच में दिल्ली ने 5 रनों से जीत दर्ज कर गुजरात की विजय रथ पर ब्रेक लगा दिया। मोहम्मद शमी इस मैच में 4 अहम बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। उन्होंने पहले ओवर में पहली गेंद पर फ्लिप सॉल्ट को अपनी घातक गेंदबाजी का शिकार बनाया था। उसके बाद उन्होंने मनीष पांडे, रायली रूसो और प्रियम गर्ग को आउट किया है। इस प्रदर्शन के बाद उन्होंने पर्पल कैप की रेस में 7 पायदान की छलांग लगाई है और पर्पल कैप के मालिक बन गए हैं। इस जीत के बावजूद भी दिल्ली की टीम अंक तालिका में 10वें स्थान पर है। उनके 9 मैचों में 3 जीत और 6 हार के साथ 6 अंक हैं। वहीं गुजरात की टीम ये सीजन तीसरी हार रही। हार्दिक की टीम अब तक 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 6 मुकाबलों में जीत मिली है और इसके साथ ही इनके 12 अंक हैं और अंक तालिका पर गुजरात शीर्ष पर बनी हुई है। वहीं अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।